हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। जी बाजी बोले। अच्छी मैं फिर से आ गई टेस्टिमनी लेके। बात है बाजी, गुड। इस दफा जो मनी दम हो रहे थे ना, तो मेरे पास 10 रुपए के नोट नहीं थे। तो मैं क्या करती थी, पेपर के ऊपर सिर्फ 10 नहीं लिखती थी, एक के बाद पता नहीं कितने जीरो लगाती थी। मुझे खुद भी याद नहीं रहता था, जितना पेपर पे एंड एंड पे होके लगते थे ना, जितने जीरो उतने लगा देती थी। मैं गिनती भी नहीं थी कि मैंने कितने लगाए हैं। तो ये 4-5 जो है ना, अभी जो मनी दम हुए हैं उसमें मैं ऐसे ही कर रही थी। तो उसमें ये कि, और फिर आपको बताऊं कि चैट में एक्टिव रहने का फायदा ये भी हुआ कि शाह साहब ने पिकअप कर लिया, उन्होंने कहा कि कॉल मी, फिर उनके साथ बात हुई है। उन्होंने क्या कहते हैं, एक तो मैं एक्साइटेड इतनी हूं ना कि मुझे बोला भी नहीं जा नहीं, रहा। आप आराम से बाजी बोलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका ही प्लेटफॉर्म है। तो और इस तरह हुआ कि जी, तो फिर शाह साहब ने कहा कि आपके ना वजीफे में थोड़ा सा स्पार्क होना चाहिए, आप भी कुछ कमा लो, ठीक है, आप भी दौलत कमा लो, ऐसे कुछ इस तरह के वर्ड्स थे शाह साहब के। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आता कि शाह साहब ने कहा क्या है। मुझे सिर्फ यही था कि बस उन्होंने कहा ये पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है। 36 डेज की पढ़ाई थी, क्योंकि पढ़ाई बहुत 2 सालों से करी थी, वो थोड़ा सा चेंजिंग हो गई थी उसमें ना, चेंज किया था शाह साहब ने। तो वो 36 डे जो हुआ है ना मेरा एग्जैक्ट, उसमें 2 डील्स हुई हैं। और काफी मैंने वो टेस्टिमनी बड़ी डिटेल में लिखी है। उसमें सबसे पहले तो ये हुआ है कि जो हमारी पूरे घर की प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, इसके अलावा 1, 2, 3 दुकानें हैं। इसके अलावा मतलब ये कुल शुल मिला के ना कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये तकरीबन हाँ, मेरे हस्बैंड के नाम हो गए हैं जी। क्या बात है बाजी। तो अब मैंने शाह साहब से ये पूछना है कि मेरे मियाँ अगर हाथ से निकल गए पैसे लेके, तो मैं उनको वापस कैसे लेके आऊंगी, ये बताएं। नहीं, कहीं नहीं जाते वो। ये जो है ना, ये अगर तो शहजाद जी भाई, जी ये इस तरह है ना कि इस वजह से अब देखिए, मेरे हस्बैंड के नाम हुए सब कुछ, तो डेफिनेटली मेरे दोनों बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर हो गया, जिसके लिए मैं इतनी परेशान थी कि इनकी एक तो एजुकेशन के हिसाब से, फिर दूसरा फाइनेंशियली सिक्योर उस तरह। क्योंकि अगर जैसे इतने लोग सुन रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा अगर बैक में जाए ना, कि जब मैंने ज्वाइन किया था, जी तो मैंने 2019 जून जुलाई में मुझे वजीफा मिला था, और उसके साथ फॉरेन टेस्टिमनीज मेरी शुरू हो गई थी। उसमें सबसे पहले मेरे भाई की जॉब थी मर्चेंट नेवी में, और वो तकरीबन उसकी 2 लाख रुपए की लगी थी मंथली पे, मर्चेंट नेवी में लगी थी। जी और उसके बाद फिर बहन का इशू हुआ था, शायद आपको याद होगा।